नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 20 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरों पे। दिल्ली में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। यूपी के अमरोहा में अज्ञात बदमाशों ने स्कूल वैन पर की फायरिंग। महाराष्ट्र वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं मिलिंद देवड़ा। अहमदाबाद में नकली दस्तावेज बनाकर रहने वाले 50 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया। पुणे टेस्ट 156 पर सिमटी टीम इंडिया, न्यूजीलैंड के पास 103 रनों की बढ़त। हरविंदर कल्याण बने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष। ट्रेन में यात्री को पैनिक अटैक, जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से हैदराबाद के लिए उड़ान भरी थी, अबूधाबी जयपुर फ्लाइट में भी हंगामा। लखनऊ में उबर रैपिडो का विरोध, 2000 से ज्यादा कैब ड्राइवर राइड कैंसिल कर रहे हैं, सिर्फ ओला की बुकिंग कर रहे कंफर्म। यूपी के मंत्री संजय निषाद बने 27 के खेवनहार। लखनऊ में जगह जगह लगे पोस्टर, विधानसभा उपचुनाव में नहीं मिली है सीट। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम घोषित, एनआईए ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में किया शामिल। लॉरेंस बिश्नोई का है छोटा भाई। अमित शाह 27 अक्टूबर को जाएंगे बंगाल, बीजेपी सदस्यता अभियान की होगी शुरुआत। आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा लड़ सकते हैं चुनाव। लखनऊ में दिव्यांगों का प्रदर्शन, भाजपा प्रदेश कार्यालय घेरा, कहा लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगों को नियुक्ति पत्र। टूडो ने कनाडा फर्स्ट नीति का ऐलान किया, वहीं काबिल लोग नहीं मिले तो विदेशी स्टाफ रखने से पहले बताना होगा, भारतीय छात्रों पर पड़ेगा असर। जयपुर में मेडिकल स्टूडेंट को जहर देकर मारा, सहेली समेत 4 लोगों पर हत्या का आरोप। डोमेन विवाद के बीच दिल्ली के टेकी का आया फाइनल बयान, कहा डरे हुए हैं पेरेंट्स। ग्वालियर में पिता ने ही कराया हिस्ट्रीशीटर बेटे का मर्डर, नशे जुए की लत से परेशान था परिवार, 50,000 रुपए में 2 शूटर्स को दी थी सुपारी। हथियार तस्करी करने आए 3 तस्कर गिरफ्तार, ग्वालियर में करना था सप्लाई, 3 पिस्टल 1 रिवॉल्वर समेत 24 जिंदा राउंड मिले। बारामूला आतंकी हमले में एक और जवान शहीद, कल 2 जवान और 2 पोर्टर की हुई थी मौत, आतंकियों ने आर्मी वैन पर फायरिंग की थी। पशुपति पारस को पार्टी कार्यालय खाली करने का अल्टीमेटम, भवन निर्माण विभाग ने फिर से भेजा लेटर, कहा 7 दिन बाद जबरन खाली कराया जाएगा। इस टॉप 20 न्यूज में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।